एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी CBT2 एग्जाम लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 का जो आंसर की है वो कब आने वाला, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप कैसे करके हर क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि आपका सही था मगर वो आंसर गलत दिया, इससे संबंधित देखिए जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए ये जो नोटिस है वो रेलवे द्वारा जारी किया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CEN 01/2019 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट सेकेंड स्टेज यानी आपका एनटीपीसी CBT2 कंप्यूटर बेस्ड CBT2 व्यूज ऑफ क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स एंड की एंड रेजिंग ऑफ क्वेश्चन इफ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शन नहीं। देखिए सीधा बात है कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर का रेस्पॉन्स करना है, आंसर की देखना है, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बताया हुआ पढ़ सकते हैं कि द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट फॉर द पे लेवल 5, 3 एंड 2 अगेंस्ट CEN 01/2019 वॉज कंडक्टेड, जो स्टार्ट हुआ था 12/6/2022 से लेकर 17/6/2005 दिनों का आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ, इन ऑर्डर टू इनेबल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, जो भी बच्चे CBT2 एग्जामिनेशन कैंडिडेट हुए थे वो अगर अपना क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, रेस्पॉन्स करना चाहते हैं आंसर की पे, एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा आरआरबी की वेबसाइट पर, जो लिंक आपका 22 तारीख से कल आपको शाम के 5 बजे एक्टिवेट होगा और शाम के 27 तारीख 6 महीना यानी आपका जून मंथ में ही वो बंद हो जाएगा 11:55 में, ठीक है। ये बताया हुआ किसके द्वारा, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको कॉलम वाइज बताया हुआ है कि अगर आपको देखिए व्यू करना है अपना और कोई भी और रेज करना, मतलब अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है क्वेश्चन पेपर खिलाफ तो आपको दिया हुआ है 22 तारीख से लेकर स्टार्ट हो जाएगा, आपको अपना आंसर की भी मिल जाएगा 22 तारीख से लेकर 17 आपका 5 बजे स्टार्ट होगा और कब खत्म हो याद रखिएगा 27 तारीख को 11:55 में, याद रखिएगा ये टाइम टेबल याद रखिएगा। इसी 5 दिनों के आपके समय में अगर आपको अपना आंसर की चेक करना है और अप्लाई करना है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर गलती है कोई क्वेश्चन में तो आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आपको सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को फॉलो करके ही आपको करना पड़ेगा। तो ये है देखिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया आपको पहले मालूम होनी चाहिए कि किस तरह करके आपको अप्लाई करना है कि किसी क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको लगता सही है तो देखिए यहाँ पर रेलवे बताया हुआ है कि देखिए द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर बीइंग रेजिंग ऑब्जेक्शन इज ₹500 प्लस एप्लीकेशन बैंक सर्विस चार्ज पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए देखिए आपको ₹50 पे करना पड़ेगा, ठीक है, आपको बताया हुआ है यहाँ पर। इन केस द ऑब्जेक्शन रेज इज फाउंड, अगर वो सही होता है जो आपका फी था वैल्ड क्वेश्चन के लिए वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका वो मतलब गलत रहता है तो आपको कोई भी नहीं पड़ेगा। आफ्टर डिडक्शन और एप्लीकेबल देखिए बैंक का जो चार्जेस है वो भी आपको कुछ पे करना पड़ेगा। द रिफंड विल बी मेड टू द अमाउंट फ्रॉम, देखिए जो भी आपका ऑनलाइन पेमेंट का ऑनलाइन पेमेंट है जो भी ट्रांजैक्शन आईडी वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड है, SBI वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, आप जैसे UPI के थ्रू भी करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर UPI का कुछ ऑप्शन तो नहीं नजर आ रहा है लिखा, देखिए रुपए कार्ड का ऑप्शन दिया और डेबिट कार्ड दिया हुआ है, SBI वीजा मास्टर कार्ड दिया हुआ है, लेकिन और यहां पर देखिए बताया आपको कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ेगा, यहां कोई भी ऑनलाइन क्राइटेरिया यहां पर नहीं दी जा रही कि आपको UPI के थ्रू पेमेंट करना है। और भी देखिए कुछ बातें यहां लिखी हुई है कि प्रोसीजर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन, डिटेल प्रोसीजर विद नेसेसरी गाइडलाइंस विल पे, देखिए जो भी लिंक मतलब गाइड नेसेसरी गाइडलाइंस रहेगा वो आपको वेबसाइट पे लिंक के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स जो भी समय याद रखिएगा 27 तारीख से पहले करना, फाइनल टाइम से पहले याद रखिएगा वरना वो मान्य नहीं होगा, याद रखिएगा। द डिसीजन ऑफ RBI ऑन द ऑब्जेक्शन रेस्ट शैल बी फाइनल, ये क्या आपका फाइनल है और कोई भी बाद में, देखिए यहाँ पर कोई कैंडिडेट्स कोई मतलब सीधा बात है कोई वाद विवाद का कारण नहीं बनना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को। ये सारी बातें कि आपको कैसे अगर अप्लाई करना है, कल देखिए जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आप अपना आंसर की देख लीजिएगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना है कैसे करके वो भी आपको बता दूंगा, कैसे करके आपको आंसर की का जो लिंक मिलेगा वो RBI RRB के वेबसाइट पे जाकर मिलेगा, याद रखिए बात, या फिर मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मैं जो वीडियो बनाऊंगा नया वीडियो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्लिक करके अपना आंसर की देखिए अच्छे से चेक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों मिला लीजिएगा, उसी के बाद ऑब्जेक्शन करिएगा, ठीक है, वरना आपके देखिए जो पैसे बर्बाद हो गए इसलिए पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, अगर ये सेशन अगर आपको अपना पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।